ये है कालका के थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, जो लगातार बढ़ रही अफवाहों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुट चुके हैं। और इसी कड़ी में अब उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी किसी अफवाह को न फैलाएं जिससे समाज में भ्रम की स्थिति बनती है। आज दिन में करीबन 1:30-2 बजे करीब परेड मोहल्ला से मैसेज आया कि यहाँ पर को बच्चा चोर घोड़ा थी, वहाँ जाके उसको देखा तो उसकी काफी मतलब जो लोग इकट्ठे थे उन्होंने कुछ छातापाई वगैरह कर दी। उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दिलाए। फर्स्ट एड दिलाने के बाद जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुभाष है, बाप का नाम दौलत राम है, मेरी माँ गुम हो गई थी, इसको ढूंढता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरी चाची जो है वो यहाँ पर रहती है सूरजपुर में। उसके बाद सूरजपुर जाकर के चाचा चाची तलाश की, जो वापस स्टेशन थाने पहुँच गया, उसको अडॉप कर रहे हैं। तो मेरी मीडिया के माध्यम से कालका की जनता से अनुरोध है कि इस तरह की गलत अफवाह न फैलाए जिससे कि समाज में भ्रामक स्थिति बनी रहे। दरअसल पिछले कुछ समय से कालका क्षेत्र में बच्चे चुराने वाले गिरोह के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी। हालात ये थे कि इलाके में अजनबी दिखा नहीं कि बच्चा चोर होने के शक में पिटाई कर दी जाती थी, और फिर ऐसे वीडियो वायरल होते भी देर नहीं लगती। लिहाजा अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस को खुद आगे आना पड़ा। R9 TV के लिए कालका से जयंत मोटसरा की रिपोर्ट।